प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा। इट इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्लाइड्स वगैरह भी देखते हैं हम, स्मॉल ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, दो लेंसेज होते हैं ये ऑब्जेक्ट। लेंस ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं इसे। एक ये लेंस है, बड़ा लेंस, इसका अपर्चर अधिक होता है। ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ फेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ फेस जो जिसका है उसे हम ऑब्जेक्टिव कह देते हैं। इसका जो फोकल लेंथ शॉर्ट है और इसका अपर्चर भी छोटा है। एंड अनदर लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज अपर्चर, फोकल लेंथ इसकी भी बहुत कम है लेकिन इसका अपर्चर बहुत अधिक है। टू लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सली, कोएक्सली मैंने एक ही लाइन में रखते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, दोनों ट्यूब के एंड्स में लगे होते हैं। टू फोकस ओवर एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। आपने देखा होगा वहां स्क्रू लगा होता, उसकी सहायता से हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाते हैं जहां हमें क्लियर इमेज इधर आईपीस से देखते हैं ना, जहां ऊपर लेंस लगा हुआ उधर से देखते हैं, जहां क्लियर इमेज नजर आए तो वो हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। तो लो आप इसे अच्छी तरह समझे, पहले रेज ऑफ लाइट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कैसे ट्रेवल करती हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये फोकल लेंथ के थोड़ा सा पीछे रखना है। जो इस ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ उसे जरा पीछे रखना, थोड़ा पीछे, तो इसका इमेज नेचुरली बड़े साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। लो जी इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब क्या करते हैं हम, जो अब इधर से देखते हैं, अब जो रेज ऑफ लाइट जहां से एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, दूसरी रेज जहां स्ट्राइक करेंगी और कन्वर्ज हो जाएंगी, और इधर हमारी आई है जहां आई से देखते हैं। और ये रेज इधर तो मीट नहीं कर रही, तो अगर इसको इनको इधर बढ़ाएंगे तो जहां मीट करेंगे, एक्चुअली अपीयर टू मीट, एक्चुअल तो मीट नहीं कर रही, इसलिए इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की रेज है वो कैसे चलती जी, आपको पहले भी पता है। बी से पैरेलल टू एक्सिस प्रिंसिपल फोकस एफ नॉट से पास होगी, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है, जहां मीट करती है वहां रियल ऑब्जेक्ट इमेज बन जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, जो इधर रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगी, जहां से स्ट्राइक करेंगी पैरेलल जो रेज चल रही है वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन इधर तो मीट नहीं कर सकती, मीट करके वर्चुअल इमेज बना देगी। यहाँ अपीयर टू मीट है, एक्चुअल मीट नहीं कर रही और बड़े साइज का वर्चुअल इमेज बनेगा। अब डिस्टेंस है जी इसकी फोकल लेंथ, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की हम एफ नॉट से लिखते हैं, जो आईपीस की फोकल लेंथ उसे एफ ई से लिखते हैं। तो ये यू नॉट डिस्टेंस हो गया, ये एफ नॉट फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, और वी नॉट जो ये लेंस इमेज बना रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज वो वी नॉट है। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां तक आई क्लियर देख सकते वी, यही इमेज बनेगा इधर से देखते हैं, तो वी नॉट डी के बराबर ही होता है। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सब्टेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ आर लाई एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दो एंगल है इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह देते हैं, इसमें दोनों एंगल आ गए ना, तो इसके बारे में पहले समझाया, फिर जहां भी देख लो। अल्फा वो एंगल है जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हैं। तो जहां हमें क्लियर नजर आता है, अगर इस लेंस की बात ना करें, जहां तक क्लियर नजर आता है वो होता है एंगल अल्फा। इधर से देखते हैं ना जो एंगल बनता है आई के साथ,
तो बीटा एंगल है ये भी जब जहां हमें जो वर्चुअली में हमारा क्लियर नजर आ रहा है, ये जो हमारा फाइनल इमेज बना वर्चुअल उसका एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल बीटा। तो इन दोनों की रेशियो को ही हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो बीटा ऊपर आ जाना, अल्फा नीचे, बीटा बटा अल्फा, ये होगी मैग्निफिकेशन। बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, ये दोनों एंगल ही बहुत स्मॉल है क्योंकि अपर्चर इतने बड़े तो है नहीं, स्मॉल है। तो टेंजेंट बीटा बटा टेंजेंट अल्फा बन गया। तो टेंजेंट बीटा जरा ध्यान से देखो, टेंजेंट बीटा ये बन रहा है ना जो वर्चुअल इमेज, ये हाइट लेनी है हमने, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बटा सी ए डबल डैश, ये देखो, बटा टेंजेंट अल्फा ऊपर बन रहा है, ए डैश क्यू बटा सी डैश ए डबल डैश, परपेंडिकुलर बटा बेस है ना। तो टेंजेंट अल्फा का फिर चेक कर ले, इसका जे राइट एंगल ट्रायंगल है ना क्यू ए डबल डैश सी डैश, इसमें बनता है ए डैश क्यू परपेंडिकुलर बटा बेस क्या है सी डैश ए डबल डैश, तो ए डबल डैश क्यू बटा सी डैश ए डबल डैश। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने नीचे वाली ली थी, जो ये टेंजेंट बीटा लिया था, कौन सी ट्रायंगल ली थी, बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश सी डैश वाली। तो अब जहां से इसे सॉल्व करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा सी डैश ए डबल डैश, सी डैश ए डबल डैश ऊपर चल जाएगा, ए डबल डैश क्यू, ये जो ए डबल डैश क्यू है ना वो ए बी के इक्वल है, ए ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, इसलिए मैंने ए डबल डैश क्यू को क्या लिख दिया, ए बी, ए डबल डैश क्यू को ए बी लिख दिया। तो अब जहां सी डैश ए डबल डैश ये दोनों कट गए, सी डैश ए डबल डैश के साथ, अब क्या बचा, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश नीचे भी आ गया, अब इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा इसे इधर ले जाओ, ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी, अब जहां से चेक करें, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, ये क्या बन गया, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द इमेज। अब एक बात याद रखनी है, जहां जो इमेज बना ना ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस लेंस के लिए, तो इसका फिर वर्चुअल इमेज जहां बन रहा है, जहां तो इमेज रियल बन रहा था, इस लेंस ने जो इसे बड़ा करना था, इसका ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट उसे क्या लिखेंगे, एम ई के साथ, एम ई इस करके लिखा, आई पीस, ये आई पीस का मैग्निफिकेशन है। अब जो ऑब्जेक्ट ने का मैग्निफिकेशन है, ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का, तो इसलिए इसे एम ओ लिख दिया। इसको थोड़ा ठीक करके भी लिख सकते हैं ऐसे, एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, इसे एक नंबर डाल लो। अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एम नॉट इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी किया हुआ फार्मूला, जो ऑब्जेक्टिव ने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है उसे वी नॉट बटा यू नॉट, वी बटा यू लिखते हैं ना, वी नॉट बटा यू नॉट तभी लिखा जहां जो डिस्टेंस है इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से वी नॉट है, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से यू नॉट है, तो तभी जहां वी नॉट बटा यू नॉट लिखे, इसे टू नंबर डाल लो। अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस एम इज इक्वल टू वी ई बटा यू ई, इसे थ्री नंबर डाल लो। आप देख लेते हैं जे मैग्निफिकेशन, जे भी वही फार्मूला वी बटा यू वाला ही लगाया, जहां वी ई है डिस्टेंस ऑफ आई पीस कहां तक, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है जे, जहां तक डिस्टेंस है वीई, इसे हम बाद में डी वी लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वे यूई, जो जे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का उसकी दूरी जे आईपीस तक कितनी है यूई,
ये रेशियो बन गई वी बटे यू ई। अब इसकी वैल्यू हम ये लेंस फार्मूले से निकाल लेंगे, वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ ई। ये लेंस फार्मूला लगाया हमने आई पीस लेंस पर, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, वी बटा वी माइनस वी बटा यू इज इक्वल टू वी बटा एफ ई। ये वी से वी कट गया तो वन बन गया, वन माइनस एम ई, इसे एम ई लिख दिया क्योंकि ये देखो यूजिंग थ्री एम ई इज इक्वल टू वी ई बटा एफ ई। जहां से एम ई की वैल्यू निकालोगे इसे दूसरी तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ, फिर सीधा करके लिख दो तो ये बन गया एम ई इज इक्वल टू वन माइनस वी ई बटा एफ ई। अब साइन कन्वेंशन लगाते हैं, जो वी ई है जहां ध्यान से देखो वी ई कहाँ है, ये है ना, ये इंसिडेंट रे तो इधर इंसिडेंट कर रही है, तो ये उल्ट दिशा में है जो वी ई, और है क्या है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां तक आई क्लियरली देख सकती है, तो इसलिए वी ई को डी लिख दिया। तो एफ ई को तो पॉजिटिव ही लिखना है, जो एफ ई दूरी है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू जहां पुट कर दो एम ई जहां पर, ये बन गया वन माइनस माइनस डी बटा एफ ई माइनस माइनस प्लस एम ई इज इक्वल टू वन प्लस डी बटा एफ ई, से फोर नंबर डालो। अब हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं, एम ओ की भी एम ई की भी, तो यही हमने निकालना था। अब इस फार्मूले में हम जो वैल्यू निकाली इसमें पुट कर देते हैं, एम ओ की वैल्यू भी और एम ई की, एक्चुअली काम यही करना था, एम नॉट और एम ई की वैल्यू निकालनी, तो वो निकाल ली है फ्रॉम वन टू एंड फोर, वन जहां से टू जे हो गया फोर जे, इन तीनों का यूज करते हैं। एम इज इक्वल टू जो वैल्यू निकाली हमने एम नॉट की वो है वी नॉट बटा यू नॉट इंटू वन प्लस एम ई आगे वन प्लस डी बटा एफ ई, जे बन गया हमारा फार्मूला मैग्निफिकेशन का। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज वेरी शॉर्ट, आगे एक और फार्मूला निकाल रहे हैं, समझाता हूँ। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट अवे फ्रॉम एफ नॉट, जहां से समझो जी, इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ है बहुत कम, और ये ऑब्जेक्ट हमने इसके साथ में रखा, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है लगभग सी ए के बराबर ही होगी ना, सी एफ नॉट सी ए के बराबर होगी। कहने का मतलब जो यू नॉट है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो बहुत ही क्लोज हैं, वही काम किया। यू नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, माइनस एफ नॉट इसलिए लिखा क्योंकि डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे माप रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ऑल्सो स्मॉल, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश इज नियरली इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, therefore v not is equal to l। तो फिर समझो इसे, कहता फोकल लेंथ जो आई लेंस है इसकी भी फोकल लेंथ स्मॉल है, तो जो डिस्टेंस v not है, ये डिस्टेंस क्योंकि इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, तो ये v not डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी इसकी दूरी हम कितनी ले सकते हैं, और टोटल लेंथ, लेंथ कितनी है जो ट्यूब की जहां तक है ना, तो एल के करीब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहता है ना जो फोकल लेंथ था इस आई पीस की जे वाली, जे भी बहुत स्मॉल है, तो जो सी ए डैश है इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब सी सी डैश के बराबर ही कंसीडर कर रहे हैं, तो कितना लिख दिया एल के बराबर, तो वी नॉट आ गया एल के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू वी नॉट यू नॉट की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एफ नॉट, माइनस ऊपर लिख दिया, ते वी नॉट की जगह क्या लिख दिया एल, यू नॉट की जगह लिख दिया माइनस एफ नॉट, तो ये फार्मूला बन गया एम इज इक्वल टू माइनस एल बटा एफ नॉट इंटू वन प्लस डी बटा एफ ई। ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा